नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएसएड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। बिहार में एक नए घोटाले का हुआ पर्दाफाश। यह घोटाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय से जुड़े स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित है। इसमें कुछ निजी विश्वविद्यालय और दलालों ने मिलकर बिहार सरकार को करीब 3 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। हालांकि इस मामले का पर्दाफाश तो राज्य सरकार के अधिकारियों ने नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने इस घोटाले में शामिल अधिकांश निजी विश्वविद्यालयों को ब्लैकलिस्टेड करते हुए नया आदेश निकाला है। इसके तहत अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित या संबंधित संस्थानों के सूची में शामिल शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को ही मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज मंगलवार को IRCTC रेलवे टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। इसके साथ ही प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरल गुप्ता भी कोर्ट में पेश हुई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इसकी अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना के लक्ष्मीनिया गांव में एक तालाब से मछलियों के बदले शराब की बोतलें निकली। यह देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए और वहां पूरा मजमा लग गया। पुलिस ने तालाब से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए SSP मनोज कुमार ने बताया कि बरुराज थाना के लक्ष्मीनिया गांव में एक तालाब में भारी मात्रा में शराब छिड़पा कर रखे जाने की सूचना मिली थी और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब जाँच की तो जाँच में ये बात सच निकली। इसके बाद बरुराज थाना पुलिस ने तालाब में मछुआरों की सहायता से तलाशी करवाई तो उसमें विदेशी शराब की बोतलें और केन बियर बरामद की गई। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज विपक्षी दलों ने शिक्षकों के नियोजन में हो रही देरी पर जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि नवंबर तक नए शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी। विपक्ष द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी मामले को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 महीने के अंदर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, नवंबर तक नए शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। पटना रेलवे जंक्शन परिसर के यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत जहां कार पार्किंग को स्टेशन गोलंबर के पास बनी मल्टी स्टोरी पार्किंग में शिफ्ट करने की योजना है, वहीं जंक्शन पर दोपहिया वाहनों को भी परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग में खड़े करने की योजना बनी है। जंक्शन पर खड़े होने वाले दोपहिया वाहनों को एक ही भवन में रखा जाएगा। इस मल्टी स्टोरी पार्किंग में एक साथ 1200 से अधिक दोपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। बिहार में प्रचलित पकड़वा विवाह की कहानी फिल्म जबड़िया जोड़ी के माध्यम से सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी। फिल्म के साथ ही 5 साल बाद एक बार फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की जोड़ी देखने को मिलेगी। 2 अगस्त को रिलीज होने वाली इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कहानी बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले संजीव झा ने लिखी है। हर घर नल योजना की गुणवत्ता पहले से संदेह के घेरे में है। ऐसे में बोचहा के देवगन पंचायत में योजना के चेक में फर्जीवाड़ा कर निकासी करने का मामला सामने आया। यहां योजना के 55,000 के चेक में छेड़छाड़ कर 4.5 लाख रुपए की अवैध रूप से निकासी कर ली गई। BDO ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मामले की रिपोर्ट भेजी है। इसमें मुखिया अजय कुमार एवं एजेंसी की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किए जाने की जानकारी दी गई, साथ ही मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा कर दी गई। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री कंगना रनौत का विवाद कई सालों से चला आ रहा। इस मामले पर अक्सर शांत रहने वाले ऋतिक रोशन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि मुझे अब ये समझ आ गया कि बुली करने वाले के सामने पेशेंस से काम लेना जरूरी है। ये हमारे समाज पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से देखता है। जैसा मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मैं कानूनी रूप से जवाब दूंगा तो आक्रामक कहा जाऊंगा और मैं पीछे हट जाता हूँ तो मुझे कमजोर दिल वाला कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने असिस्टेंट के कई पदों के लिए आवेदन निकाले हैं। वे उम्मीदवार जो प्रोफेशनल असिस्टेंट और सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, वे अंतिम तिथि 25 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC ने असिस्टेंट के कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को साक्षात्कार देना होगा।
देश के 36% से ज्यादा स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं पहुंचा, यह जानकारी खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है सोमवार को लोकसभा में। एक सवाल के जवाब में निशंक ने बताया कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2017 से 2018 के अनुसार देश के 63.14% स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018 से 2019 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना समग्र शिक्षा की शुरुआत की है। पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी पर अरब देश जॉर्डन ने प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह जॉर्डन पबजी पर बैन लगाने वाला पांचवा देश बन गया। बता दें कि इससे पहले इराक, नेपाल, भारत और इंडोनेशियाई प्रांत आचे में पबजी मोबाइल पर बैन लग चुका है। जॉर्डन में पबजी पर प्रतिबंध को लेकर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पबजी मोबाइल गेम बहुत ही हिंसक है और इससे देश के नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालत यह हो गई है कि लोगों ने पबजी की चक्कर में किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि पबजी मोबाइल बच्चों को बर्बाद कर रहा है, बच्चे घंटों पबजी खेल रहे हैं। फेसबुक ने पिछले महीने लिब्रा नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, लेकिन भारतीय बाजार के लिए लिब्रा की राह मुश्किल होती नजर आ रही। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा को भारत में लॉन्चिंग को हरी झंडी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में फेसबुक के लिए यह बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शाओमी के K सीरीज के नए स्मार्टफोन रेडमी K20 और रेडमी K20 प्रो की बिक्री 17 जुलाई से फ्लिपकार्ट से होगी। वहीं कंपनी ने अल्फा नाम से प्री लॉन्च सेल का आयोजन करने का ऐलान किया। शाओमी की अल्फा सेल 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और MI.com से होगी। इस सेल का फायदा यह होगा कि 17 जुलाई की वास्तविक सेल से पहले कुछ लोग रेडमी के 20 और रेडमी के 20 प्रो को सिर्फ ₹855 देकर रिजर्व कर पाएंगे। देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा पैन कार्ड रद्दी होने के कगार पर हैं। सरकार ने फैसला लिया कि 31 अगस्त 2019 तक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, ट्रस्ट या किसी अन्य श्रेणी में जारी पैन कार्ड को यदि आधार संख्या से नहीं जोड़ा जाता है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 4 जुलाई को एयर इंडिया के जेद्दा ऑफिस द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक जेद्दा से आने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों द्वारा जमजम का पानी लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध 15 सितंबर तक लगना था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। मंगलवार को एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि आवे जमजम से भरे कनस्तरों को विमान संख्या AI-966 और AI-964 में नहीं ले जाने से संबंधित निर्देशों से संबंध में हम लोग यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यात्री अब अपने स्वीकृत सामान के साथ जमजम कनस्तरों को भी साथ ले जा सकते हैं।